दोस्तों भारत में 84 करोड़ से अधिक इंटरनेट यूजर्स हैं, जिसका मतलब हुआ कि दुनिया भर के 60% इंटरनेट यूजर्स भारतीय ही होंगे और उनमें से 80% फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन और नॉर्मल ट्रांजेक्शन के लिए इंटरनेट का यूज करते हैं और इस तरह साइबर अपराध के लिए सेंसिटिव हो जाते हैं। दोस्तों साइबर आंकड़ा हर साल अधिकतम तक बढ़ने का अनुमान है। सरकारी रिपोर्टों के अनुसार भारत भर में कई केंद्र सेवा के रूप में साइबर अपराध इंडस्ट्री हिस्से के रूप में एडवांस हुए हैं। दोस्तों महाराष्ट्र में 2018 से 2021 तक साइबर अपराध के 19,536 मामले दर्ज किए गए और उनमें से ज्यादातर 6,000 महिलाएं थी। दोस्तों दिल्ली में पिछले साल की तुलना में 111% की वृद्धि दिखी। साल 2017 में दिल्ली पुलिस के अनुसार साइबर अपराध सेल के केवल 84 एफआईआर दर्ज की गई थी। यह सब आंकड़े बताते हैं कि एक सेवा के रूप में साइबर अपराध का यह उद्योग सेवाओं का एक ऑर्गेनाइज्ड रूप है और एक फॉर्मल मामला है। देखिए दोस्तों, पहले की हैकिंग में कॉल करने वाला आमतौर पर बैंक का रिप्रेजेंटेटिव या बैंक का तकनीकी टीम का कोई व्यक्ति होने का दिखावा करता था। ज्यादातर मामलों में कॉलर पेशेवर लगता है और ग्राहक को कॉल करने का एक ठोस कारण प्रदान करता है। सुरक्षा का झूठा एहसास देने के बाद कॉल करने वाला पीड़ित को अपना इंडिविजुअल और सीक्रेट डेटा देने के लिए छल करता है, जैसे वन टाइम पासवर्ड, क्रेडिट डेबिट कार्ड नंबर, कार्ड का CVC नंबर, कार्ड के फ्लिप साइड के छिपे नंबर, एक्सपायरी CVC, ATM पिन, इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन ID और पासवर्ड और भी ऐसी पर्सनल जानकारियाँ। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब स्मार्टफोन का डिजिटल जमाना है। दोस्तों स्मार्टफोन और इंटरनेट बैंकिंग के बढ़ते यूज के साथ बहुत तरह के साइबर अपराध दिन प्रतिदिन के जीवन में खतरा पैदा कर रहे हैं। आज तक बैंक द्वारा सलाह दी जाती है कि किसी अज्ञात व्यक्ति के साथ अपने डेबिट कार्ड, कार्ड का पिन या OTP नंबर किसी के साथ शेयर ना करें। लेकिन आजकल के तौर तरीके बदल गए हैं। डिजिटल जमाना, अधिक डिजिटल मनी ट्रांसफर और वॉलेट सेवाएं उपलब्ध होने के साथ जालसाजों ने ऑनलाइन फिशिंग के नए तरीके खोजे हैं। वैसे कोरोना महामारी के दौरान घर से काम करने की अचानक शिफ्टिंग ने साइबर बदमाशों को कह सकते हैं कि एक पैसा बनाने का एक तरह का प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी मिल गया था। लेकिन दोस्तों हाथों में ऐसी इंपॉर्टेंट जानकारी के साथ धोखेबाज पीड़ित के नाम का उपयोग करके आसानी से इनलीगल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर सकता है या यूजर को धोखा देने के लिए वो आमतौर पर टारगेट कंज्यूमर को KYC समस्या को हल करने के लिए कोई भी डेस्क क्विक सपोर्ट और टीम व्यूअर जैसे मोबाइल या डेस्कटॉप पर एक लिंक भेजकर उस पर क्लिक करने को कहा जाएगा या एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए कहते हैं। ये एप्लीकेशन पिन डिटेल के साथ यूजर के खाते में एक्सेस देते हैं, इसके बाद वे लक्ष्य के खाते से धनराशि निकाल लेते हैं। दोस्तों इस नए तरीके से बिना OTP के भी आपके अकाउंट से फ्रॉड का पैसा निकाला जा सकता है। दोस्तों अनुमान के अनुसार अकेले वर्ष 2017 में साइबर अपराध की ग्लोबल कॉस्ट 608 बिलियन तक पहुंच गई थी। अगर हम इसी अवधि के लिए भारत को देखें तो साइबर अपराध की कीमत में 18.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। और दोस्तों 2017 में ही भारत में हर 10 मिनट में साइबर अपराध का एक मामला देखा गया और इनमें से अधिकांश घटनाओं की रिपोर्ट नहीं की गई। दोस्तों जामताड़ा एक छोटा सा नींद वाला गाँव है जिसने साइबर अपराध की कुख्याति प्राप्त की है और इससे साइबर राजधानी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों कुपोषण और गरीबी के बीच इस छोटे से गांव का अक्सर विभिन्न राज्यों की पुलिस टीमों द्वारा दौरा किया जाता है। दोस्तों विद्यासागर रेलवे स्टेशन से केवल कुछ 100 मीटर की दूरी पर वह स्थान है जहां ईश्वरचंद विद्यासागर 18 साल तक रहे। एक पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ाया और एक घरेलू क्लिनिक से दवाइयां डिलीवर की। उनके द्वारा इस्तेमाल की गई कुछ चीजें अभी भी वहां पड़ी है। लेकिन दोस्तों जिस जगह को पर्यटन स्थल होना चाहिए था वहां आज कोई भी घूमने नहीं आता, सिर्फ हैकिंग के बाद दूसरे राज्य की पुलिस आती है इन्वेस्टिगेशन के लिए। दोस्तों यहां देखा जाए तो हैकिंग की वजह से किसी ने भी गांव को नहीं छोड़ा है, लेकिन उनकी पहुंच पूरे देश में है। दोस्तों भारत में 50% से अधिक साइबर अपराध जामताड़ा से में वापस आते हैं, जिससे साइबर पुलिस की रातों की नींद उड़ जाती है। बैंक प्रबंधकों के रूप में प्रस्तुत करने वाला जालसाजों का पता इस शहर में लगाया जाता है। साइबर अपराध में शामिल जामताड़ा के युवक के लिए स्मार्टफोन दुनिया को एक इनकम का जगह बनाते हैं। दोस्तों पिछले एक दशक में विशेष रूप से मोबाइल बूम के बाद से जामताड़ा के बेरोजगार युवाओं ने फोन पर काम करना जल्दी पैसा कमाने का एक आसान तरीका पाया। वहां है असंग मोबाइल टावर, लेकिन शायद इस जिले के विकास के कोई संकेत विशेष रूप से जिला मुख्यालय जामताड़ा के कर्माटांड तक जाने वाली 17 किलोमीटर की सड़क पर सड़क रेलवे लाइन के समांतर चलती है। लगभग 2 लाख की आबादी वाले इस अर्ध शहरी वातावरण में सड़क के दोनों ओर दर्जनों मोबाइल टावर को खंगाला जाता है और यही मीनारे हैं जो जामताड़ा की बदनामी की कुंजी है।
दोस्तों पीड़ितों के खाते से ई वॉलेट में भेजे जाने वाले पैसों को आमतौर पर कई प्लेटफॉर्म पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। युवा कम पैसे के बदले ग्रामीणों को डीटीएच और मोबाइल खातों को रिचार्ज करते हैं। अन्य मामलों में ई कॉमर्स साइटों पर पैसे को वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिसका उपयोग अपराधी तब फालतू ऑनलाइन खरीदी करने के लिए करते हैं। हालांकि इन चोरी के लूट का पता लगाना आसान नहीं है, लेकिन झारखंड के गांव में इसके बहुत संकेत मिले हैं। उदाहरण के लिए कई मामूली घर पिछले कई सालों में उत्तम दर्जे के अच्छे घरों में तब्दील हो गए हैं। दोस्तों इन हैकरों के निशाने पूरे देश में फैले हुए हैं और इनमें व्यवसायियों से लेकर घर की महिलाएं और मशहूर हस्तियों तक शामिल हैं। और अंत में दोस्तों यही कहना चाहूंगा कि अपना बैंक लॉगिन किसी के साथ शेयर ना करें, भले ही वह व्यक्ति बैंक कर्मचारी होने का दावा करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई धोखाधड़ी लेन देन नहीं किया गया है। नियमित रूप से बयानों की जाँच करे, कोई भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, हमेशा किसी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसकी जांच कर लें, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत बैंक को रिपोर्ट करें। वैसे दोस्तों जामताड़ा के बारे में जानकारी आपको कैसी लगी, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों अपने परिवारों को शेयर करें। और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।